सब मैं नहा धोकर स्कूल के लिए रेडी तो हो चुका हूँ। अब बस आने ही वाली है मेरी स्कूल बस, और फिर मैं उसमें बैठ के मेरे स्कूल में चला जाऊँगा, और फिर आके मैं बाकी का व्लॉग बनाऊँगा। ओके बाय बाय फ्रेंड्स, अब बज चुके हैं शाम के 5 और मुझे स्कूल से आए हुए हो चुके हैं 3.5 घंटे, और मैंने मेरा सारा का सारा जितना भी होमवर्क दिया था स्कूल का वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। और फाइनली गाइस, जो मेन बात है, हमारी लाइट आ चुकी है। 2 दिन से लाइट नहीं आ रही थी। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि जो तेज़ आंधी और बारिश आई थी ना, उस कारण पेड़ टूट गए थे और कुछ खम्भे गिर गए थे, जिस कारण से लाइट नहीं आ पा रही थी। सो वो फाइनली लाइट आ चुकी है, क्योंकि हम 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे लाइट के बिना। क्या करें, लाइट तो मेन चीज़ है ना। लाइट के बिना ना तो पानी था, और मच्छर तो इतने हो गए थे रात को, क्या बताऊँ। मैं आया हूँ घर के थोड़ी साइड रोड की तरफ, क्योंकि 2 दिन से है ना धूप देखने को भी नहीं मिल रही थी, मुश्किल से आज धूप निकली है, तो अच्छा लग रहा है थोड़ा थोड़ा। और गाइज, मैं आया रोड की तरफ और मैंने देखा आगे से भेड़ बकरी आने लग रही हैं, और बहुत ज़्यादा है। रुको, मैं आपको उनकी वीडियो दिखाऊँगा, मस्त लगती हैं। फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि कुछ भेड़ बकरी आने लग रही है। देखो ये है वो, एक आगे एक लड़का है, ये इनको संभालने लग रहा है। मतलब एक लड़का, मतलब इतनी सारी भेड़ बकरी आई है, अकेला इनको आगे से संभाल रहा है, बीच में एक ही आदमी है। रुको, कैमरा टिड्ढा कर लिया, रुको। हाँ, अब देखो, बस ज़्यादा नहीं है, बस इतनी है। पीछे ये एक दो आदमी है, बस एक, हाँ दो ही है। भैंस का दूध पी रही है, और अभी थोड़ी देर में मम्मी दूध निकालेगी भैंस का। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ ऐसे ही मुंह रखती है भैंस, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मतलब पहले भी आया था तब भी ऐसे ही मुंह था। कर दिया भैंस का दूध निकालना। गाइस, मेरी मम्मी ने डाला है आम का अचार, तो ये अभी तक पका नहीं है, मतलब अभी इसे खा नहीं सकते हैं। थोड़ा और दिन तेल में रहेगा ना तो सही हो जाएगा ये, मतलब ज़्यादा टाइट नहीं रहेगा, फिर खा सकते हैं इसको। अभी खा ही नहीं सकते ना इसको, यही बात है। अभी थोड़े दिन पहले ही डाला है ना। ये देखो, मेरे लिए आ चुकी है मेरी नई स्टडी टेबल। रुक जाओ, रुक जाओ, सही है ये, ज़्यादा नीचे भी नहीं है वरना ज़्यादा ऊपर है, सही है। यहाँ पर ऐसे नोटबुक रख के काम भी कर सकता हूँ, लर्न भी कर सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बेस्ट टेबल है। आज मैं बहुत दिनों के बाद बाहर जा रहा हूँ कहीं बाइक पे, देखिए। सो गाइज, हम दुकान पे तो पहुंच गए हैं, पर मम्मी और अंकल की कुछ बातें चल रही हैं सूटों के मामले में। तो बता रही है वो वाला सूट देना है या नहीं, पता नहीं, वो ऐसे बोल रहे नहीं है। मतलब मैं वो एडिट मैंने अभी की है, क्योंकि वहाँ पर मैं बोल नहीं सकता था ना, पता क्या क्या पता अंकल मना कर देते, मत बनाओ मेरी दुकान वीडियो ऐसे ऐसे, तो मैंने आके एडिट की है। सो गाइज,
फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं दुकान से वापस। मेरी मम्मी ने सिर्फ इतनी देर लगा दी और दो ही सूट लिए सिर्फ, थका दिया पूरी देर, वहाँ पर इतनी गर्मी में बैठा रहा मैं। आज की वीडियो में इतना ही बहुत है, अभी हो चुके हैं शाम के 8:15 और मैं करूँगा इस व्लॉग को एंड, क्योंकि अभी मुझे एडिटिंग भी करनी है और इस व्लॉग को मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा ताकि ये कल 8:00 तक आपके पास आ जाए। ओके बाय गाइज़।